Hi everyone, welcome to my channel. Today I'm going to talk about Of Studies Summary by Francis Bacon. तो ये एक ऐसे है, सबसे पहली बात. इसके अलावा इन्होंने Of Love, Of Friendship भी लिखा है. ये भी एक टाइप के ऐसे हैं. इसमें इन्होंने बेनिफिट्स भी बताए हैं Of Different Subjects, जो हमें नई नई चीजों के बारे में बताते हैं, हमें लाइफ में लेसन्स देते हैं. इनका कहने का मतलब है कि ऐसा कोई भी वर्क नहीं है, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो अगर मान लीजिए हम जिंदगी में कुछ भी डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं तो हम उस सब्जेक्ट को इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. मेनली इस ऐसे का मतलब क्या है, ऑफ स्टडीज का मतलब क्या है कि पढ़ाई हमारी जिंदगी में क्यों इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई से क्या होता है, उसके बारे में ये पूरा ऐसे है. आखिर ऑफ स्टडीज मतलब पढ़ाई करना इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, एक इंसान को पढ़ाई करने के बाद ऐसा क्या लगता है, ऐसा क्या मिलता है जिससे उसे आगे पढ़ाई कंटिन्यू करनी चाहिए. बेनिफिट्स ऑफ स्टडीज भी लिखा है, साथ ही साथ इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव स्टडीज. मैं आपको बता दूं कि फ्रांसिस बेकन हमेशा बेनिफिट्स एज वेल एज डी बेनिफिट्स के बारे में बात करते थे, बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेजेस. तो इस ऐसे में उन्होंने यही बताया, ज्यादा पढ़ने से क्या होता है उसके बारे में भी उन्होंने बताया. सो दिस ऐसे इज अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल उन लोगों के लिए, ये जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए भी और जो एडल्ट्स हैं उनके लिए भी. ठीक है, लेट्स बिगिन. सबसे पहले मैं आपको बता दूं आखिर ये है किसके बारे में. मेन आइडिया इसका यही है कि बेनिफिट्स ऑफ स्टडीज क्या है. ओके, इफ आई टॉक अबाउट द मेन आइडिया, तो इट टॉक्स अबाउट benefits of studies. साथ ही साथ ये बोलते हैं कि reading help readers to cope up with diverse situation. जब एक इंसान को reading की habit पड़ जाती है तब वो किसी भी situation को handle करने में सक्षम रहता है. Reading also enhances intellects and cures retrains on the minds of readers. Reading करने से हमारे दिमाग में हमारा intellectual level बढ़ जाता है, इंटेलेक्ट लेवल बढ़ जाता है, साथ ही साथ हमारे माइंड को प्रेशराइज नहीं होता. ठीक है, क्योंकि एक के बाद एक अगर नॉलेज इंक्रीज होती जाती है तो वी बिकम इंटेलेक्ट, वी बिकम विटी. द एसे प्रोवाइड्स द प्रॉपर मेथड फॉर रीडिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड डिस्कसेस देयर बेनिफिट्स. मतलब हर सब्जेक्ट का बेनिफिट है, हर सब्जेक्ट का बेनिफिट है. मतलब आप ऐसे मान लीजिए आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिलोसफी, ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं इनके पास आपका इलाज है. लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि हमें समझ नहीं आता कि क्या करें, तो फ्रांसिस बेकन कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, जो भी आपने पढ़ाई की है, जो भी सब्जेक्ट की पढ़ाई की है, उनसे कुछ ना कुछ आपको जरूर सीखने को मिलेगा आगे. तो ये बेनिफिट है ऑफ स्टडीज ऐसे का. नाउ ही टॉक्स अबाउट ये जो थीम है इसकी, हाउ अ बुक्स बेनिफिट अ रीडर ट्रिमेंडसली इन डिफरेंट वेज. मतलब एक बुक जो होती है वो कैसे एक इंसान के लिए इतनी बेनिफिशियल हो जाती है, इससे कितना सब कुछ सीखने को मिलता है एक इंसान को, राइट. एक इंटेलेक्ट लेवल हमारा इंक्रीज हो जाता है. साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज इन्होंने इस ऐसे में बताया है, 3 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ स्टडीज. ये आपके एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, तो ये चीज आपको याद रखनी है. 3 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ स्टडीज. अब बताएं क्या है 3 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ स्टडीज. पहला, डिलाइट. जब हम कोई एक अच्छा फिक्शन पढ़ते हैं, कोई अच्छी बुक पढ़ते हैं, हमें बहुत प्लेजर मिलता है उससे, राइट. बहुत खुशी मिलती है. हम वी आर इट्स डिफिकल्ट यू नो टू कोप अप विद द रियलिटी. द फर्स्ट यूटिलिटी इज रीडिंग डिलाइट्स द रीडर. इट डिलाइट्स द रीडर. बहुत खुशी मिलती है, राइट. जिनको पढ़ने की आदत होती है, बुक्स आर देयर बेस्ट फ्रेंड. बहुत कुछ सिखाती है हमें, ठीक है. इन्होंने इसमें पोलो कालो का अल्केमिस्ट का एग्जांपल दिया है, वो एक एडवेंचर नॉवल है. तो जब भी हम कोई एडवेंचरस, हॉरर, फिक्शन, रोमांटिक कोई भी नॉवल पढ़ते हैं तो हम उस दुनिया में खो जाते हैं, राइट. तो उसके बारे में इन्होंने बताया है. नाउ द सेकंड इज इट एड्स ऑर्नामेंट. सेकेंड मान लीजिए ऑर्नामेंट.
ORNAMENT। ऑर्नामेंट का मतलब क्या होता है कि जब हमें ये नॉलेज आ जाती है, हम पढ़ना लिखना सीख जाते हैं, तो ये एक निशानी होती है एक वेल रेड पर्सन की, राइट। एक इट्स अ ऑर्नामेंट, नॉलेज एक पढ़ाई एक ऑर्नामेंट है, राइट। इट इज एफिशिएंटली देन एन एवरेज पर्सन डज, मतलब एक नॉलेजेबल पर्सन अगर पढ़ा लिखा है, उसमें नॉलेज है, तो वो उसका क्या है, उसकी पर्सनालिटी का क्या है, ऑर्नामेंट है। तो सेकेंड यूज है स्टडी का, वो है ऑर्नामेंट। तो यू शुड नो दिस, ये ऐसे में दिया गया है। नाउ तीसरा, तीसरी चीज है एबिलिटी। जब भी हम पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, नॉलेज इंक्रीज हो जाती है, तो क्या होता है, वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज आवर नॉलेज, राइट। वी हैव द एबिलिटी टू डू एनीथिंग इन आवर लाइफ, यही चीज है, ठीक है। एबिलिटी ऑफ अ रीडर द अरेंजमेंट ऑफ द थिंग्स, वरना अगर हमें नॉलेज आ जाती है तो हम बेटरली अरेंज कर सकते हैं थिंग्स को, राइट। कि मुझे बुक्स यहाँ रखनी है, फैक्ट्स एंड फिगर्स यहाँ रखनी है, आज मुझे मीटिंग में भी जाना है, आज मुझे सेमिनार लेना है, आई हैड टू स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो, आई हैड टू डू माई होमवर्क ऑल्सो, इफ आई एम डूइंग सम मीटिंग आई शुड बी रेगुलर ऑन दैट। ये सब कुछ, मतलब ऐसा मान लीजिए कि एवरी थिंग इज ऑर्गेनाइज, और ये सब कुछ पर्सनैलिटी ऑल्सो डेवलप करती है, एबिलिटी पर्सनैलिटी कुछ भी मान लो आप, ठीक है। तो ये तीसरा यूज है हमारे स्टडीज का। An expert and a learned man, मतलब expert can execute his plan, even judge a situation, but a learned man can perform better by giving advice, making plans and managing things. Therefore, a learned man is better than expert. He is saying कि जब एक expert होता है वो सिर्फ भाषण देता है, ठीक है, कि ऐसा कर लेना वैसा कर लेना, you have to follow this. और जो learned man होता है, जिसने पढ़ाई की भी होती है, of studies, knowledge होती है जिसके पास, वो क्या करता है, वो आपको guide भी करता है, वो चीज़ें manage भी करता है, आपको एक्सपर्ट की तरह समझाता भी है। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ होम, दिस इज द बेनिफिट ऑफ एक्सपर्ट लर्न मैन। नाउ द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव स्टडीज, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना। सी उस टाइम भी राइटर्स जो थे इस टाइम की रियलिटी लिखते थे, उस टाइम पे भी ऐसा था कि लोग बहुत ज्यादा पढ़ाई में डूबे रहते थे, साथ ही साथ दे यूज टू सिट फॉर लॉन्ग आवर्स। तो वो चीज क्या है, अब इस ऐसे में टॉपिक है द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव स्टडीज, एक्सेसिव स्टडीज। अब ये क्या था, ये थ्री वेज है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू मच स्टडी इज डेंजरस, पहला पॉइंट इन्होंने बताया है कि टू मच स्टडी इज डेंजरस। डेंजरस क्यों है, क्योंकि द रीजन इज एक्सेसिव रीडर्स लीड अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल, उनकी जो बॉडी होती है वो श्लगिश हो जाती है। अगर आपको पता हो तो मैं बता दूं कि अगर हम लॉन्ग आवर्स के लिए स्टडी करेंगे तो हमारा जो नीचे का लोअर पार्ट ऑफ बॉडी रेट है वो मेटाबॉलिज्म रेट कम हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, वी विल नॉट बी एबल टू यू नो मूव प्रॉपरली। कई बार हम अगर लॉन्ग आवर्स के लिए सिट बैठते हैं, यानी मान लीजिए आप 5 या फिर 3 घंटे के लिए बैठ गए या 1 घंटे के लिए बैठ गए, आपके पैर सुन्न हो जाएंगे, राइट। तो मेटाबॉलिज्म रेट कम हो जाता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो रुक जाता है, और हमारा जो ये कर्व एरिया होता है स्पाइनल कॉर्ड का, ये बेंड हो जाता है, तो बॉडी क्या होती है, स्लगिश हो जाती है, बहुत ज्यादा डल हो जाती है, ठीक है। तो ये है, टू मच यूज ऑफ ऑर्नामेंट्स वुड शो अ लर्न मैन ऑस्टेंशियस। सेकेंड इन्होंने बताया है कि अगर मान लीजिए कि हमने बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली, बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर लिया, सामने वाले इंसान से हम बात करें पर वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, और हम उससे ऐसी भाषा में बात करें, इतने सारे डिफिकल्ट वर्ड्स यूज करें कि उसके वर्ड्स में सब उसके दिमाग से सब ऊपर जाए, तो ये चीज गलत है। अगर मैं आपको बहुत ज्यादा, ऐसा मान लीजिए कि मैं कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करूँ डिफिकल्ट वर्ड्स जो आपको बिल्कुल समझ ना आए, तो ये वीडियो वेस्ट है, राइट। वैसे ही तो वो बता रहे हैं टू मच यूज ऑफ ऑर्नामेंट्स, यूज ऑफ ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स का यहाँ मतलब है वर्ड्स और सेंटेंसेस, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए एक ऐसे में, ठीक है। नाउ कंसिडरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ द लर्निंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग द प्रैक्टिकल वर्ल्ड इज इनएक्यूरेट। हर चीज में प्रैक्टिकल वर्ल्ड को एनालाइज करना पड़ता है जब आप पढ़ाई कर लो,
अपनी पढ़ाई को प्रैक्टिकल नॉलेज में लगाओ, तब जाकर आप दुनिया को ठीक से समझ पाओगे। ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप कुछ भी पढ़ो उसको प्रैक्टिकली लाइफ में ज़रूर अप्लाई करो, ताकि आप कभी आपको आने वाली जिंदगी में प्रॉब्लम ना आए। इन ईच सिचुएशन बेकन एम्फसाइजेस एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज अनवांटेड। ऐसे पता है ना, अति हर चीज़ की अति नहीं होनी चाहिए, राइट? तो मतलब एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज डेंजरस। इसलिए उन्होंने कहा पढ़ाई भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ अपने हिसाब से होनी चाहिए, नॉर्मलाइज्ड होनी चाहिए। We cut the plants which could grow in any direction for growth. Studies nurture natural abilities of man. It enhances the comprehension of a reader, but that remains unfulfilled until the person gains experience related to the subject of the study. It means knowledge and experience make reading complete. आपने एक सब्जेक्ट में महारती हासिल कर ली, ठीक है? आपने उसमें मास्टर्स कर लिए, उसके बाद आपने उसमें पीएचडी कर ली। Now you have completed your PhD. अब आप प्रोफेसर बन गए हैं और आप पढ़ा रहे हैं कहीं, ठीक है? आपका उस सब्जेक्ट में मास्टरी हो गया, आप एक्सपर्टाइज हो गए। आप इस सब्जेक्ट का क्या करोगे जब तक आप कहीं पढ़ाने नहीं जाओगे? जब तक आप पढ़ाने नहीं जाओगे, पढ़ाई आपकी वेस्ट हो गई। अनलेस आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, अपनी जो नॉलेज है उसको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में डालोगे, तब तक आपका ब्रेन जो है हैम्पर होता रहेगा। यू विल बी लाइक ना वेरी स्लगिश टाइप ऑफ अ पर्सन। बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगेगा आपकी पढ़ाई वेस्ट होगी, राइट? पढ़ाई वेस्ट होगी। जब तक आप बाहर निकल के किसी कॉलेज में अप्लाई नहीं करेंगे, किसी को पढ़ाएंगे नहीं, आपकी नॉलेज बढ़ेगी नहीं, राइट? नहीं बढ़ेगी। तो वो यही बोल रहे हैं कि नॉलेज और एक्सपीरियंस रीडिंग कंप्लीट बनाती है, एक इंसान को कंप्लीट बनाती है। इसलिए अगर हमने ज़्यादा पढ़ाई कर ली है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है हमारे पास, तो उसे उस काम में लगाओ जो जिसके लिए काम आ सकता है। अगर ज़्यादा पढ़ाई कर ली है तो उन बच्चों को पढ़ाओ जिनके पास पढ़ाई का बिल्कुल एक्सेस नहीं है, वो ये कहना चाह रहे हैं। नाउ व्यूज ऑफ स्टडीज, अब इनका ऐसे में है व्यूज ऑफ स्टडीज। स्टडीज बेनिफिट अ रीडर इन डाइवर्स वेज। मतलब हर सिचुएशन में जो स्टडीज है वो इंसान को हर क्षेत्र में हेल्प करता है। They think it does not help individuals. They deal with different situations of life without studies. Therefore, for them, study are of no use. On the contrary, simple men admire studies. जैसे मान लीजिए कि एक इंसान है, वो बिल्कुल खेती करता है सिर्फ, ठीक है? वो यहाँ खेती करता है। वो कभी भी, ये इंसान जो मीटिंग में बैठा है, उसे कभी नहीं समझ पाएगा, राइट? कभी नहीं समझ पाएगा इसकी नॉलेज को, और ना ही इसे कन्विंस कर पाएगा, क्योंकि ये खुद ही नहीं चाहता। और यही अगर ये पढ़ा लिखा होता तो ये समझ पाता कि इसकी क्या ड्यूटी है, ये क्या इंसान है, राइट? तो ये हो गए क्राफ्टी मैन। क्राफ्टी मैन का ध्यान कभी पढ़ाई में नहीं होता। दे ऑलवेज कंटेम्प्ट स्टडीज। दे थिंक इट डज नॉट हेल्प इंडिविजुअल्स। दे डील विद डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ लाइफ विदाउट स्टडीज। इनके पास जिंदगी में कुछ भी होगा, इनके पास कोई नॉलेज नहीं है, इनके पास नॉलेज नहीं है, तो इनके साथ जिंदगी में कुछ भी होगा, ये बेबुद्धि के रहेंगे और इनके पास हमेशा दिक्कतें आएंगी। नाउ अब है दूसरा पर्सन। दूसरा कौन सा है? सिंपल मैन, जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, जिनको सोसाइटी की थोड़ी बहुत नॉलेज है, ऐसा बोल लीजिए आप। तो दूसरा है सिंपल मैन, ठीक है? सिंपल मैन एडमायर स्टडीज, इनको पढ़ाई करना पसंद है। और सिंपल मैन जो है, दे आर अवेयर ऑफ बेनिफिट्स ऑफ स्टडीज, दे आर अवेयर। क्राफ्टी मैन बिल्कुल नहीं होते, ये थोड़े अवेयर होते हैं बेनिफिट्स ऑफ स्टडीज। एंड अमेज टू सी अ नॉलेजेबल मैन। अगर कोई इनके सामने भाषण देगा, नॉलेजेबल मैन है, तो ये बहुत ज़्यादा अमेज हो जाएंगे। इनको पता है पढ़ाई की कितनी फायदे होते हैं। वाइज मैन टेक द बेस्ट आउट ऑफ देयर स्टडीज बाय यूजिंग थियोरेटिकल नॉलेज प्रैक्टिकली। बुक्स डू नॉट टेल रीडर्स अबाउट देयर प्रैग्मेटिक एस्पेक्ट्स। वन गेन्स द एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट नॉलेज इन लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन। बेकन एम्फेसिस दैट हैविंग बुकिश नॉलेज इज नॉट इनफ। आवर थियोरेटिकल इन्फॉर्मेशन इज कम्प्लीट ओनली व्हेन वी यूज इट इन रियल लाइफ। जैसा मैंने आपको कहा
कि अपनी थ्योरी को प्रैक्टिकल लगाओ। अगर आप प्रोफेसर बन चुके हैं, इसको आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो आपका प्रोफेसर बनना बेकार हुआ। फिर क्या करोगे आप, किताब लिख दो से ज्यादा, पर नॉलेज फिर आप धीरे 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 करके वो डिमिनिश होती जाएगी, आपके दिमाग से ऐसे गायब होती जाएगी। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा प्रीच करेंगे, प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे, उतनी ज्यादा आपकी बुद्धि बढ़ेगी, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ेगा। तो वो यही बताना चाह रहे हैं। नाउ रियल मेथड्स ऑफ स्टडीज। अब रियल मेथड्स पूछ रहे हैं ये स्टडीज का, तो वो आपको बताती हूँ। टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ द बुक्स, फ्रांसिस बेकन सजेस्ट वन मेथड ऑफ स्टडी। मतलब ये एक मेथड बता रहे स्टडी का, ठीक है, रियल मेथड ऑफ स्टडी, कि आखिर पढ़ाई करनी कैसी चाहिए। ये तो उन्होंने बता दिया बेनिफिट्स क्या है, एक्सेसिव स्टडी के क्या दिक्कतें हैं, पर अब ये बता रहे हैं रियल मेथड्स ऑफ स्टडीज। रियल मेथड्स ऑफ स्टडीज। टू गेट मोस्ट आउट ऑफ द बुक्स, फ्रांसिस बेकन सजेस्ट वन मेथड ऑफ स्टडी। वन शुड नॉट रीड टू प्रूव अदर्स रॉन्ग। ऐसे बहुत लोग होते हैं कि आपको तर्क के साथ गलत कहते हैं। ऐसा कहते हैं ना, मैंने तो किताब पढ़ी है, ये तो बिल्कुल सही है, आप गलत हैं। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वन शुड नॉट रीड टू प्रूव अदर्स रॉन्ग। ऐसा नहीं होना चाहिए, खुद की बुद्धि बढ़ाने के लिए पढ़ना चाहिए। ये वाले पॉइंट के लिए बिल्कुल पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। द रीडर लुक्स फॉर पॉइंट्स दैट ही कैन यूज इन एन आर्ग्यूमेंट। अब जो रीडर होता है वो इसी के अंदर आर्ग्यूमेंट खोजने की कोशिश करता है, आर्ग्यूमेंट ढूंढने की कोशिश करता है, पॉइंट ढूंढने की कोशिश करता है, तो वो भी गलत। व्हाइल रीडिंग विद दिस मोटिव द रीडर लूजेस द व्हाट द बुक ऑफर्स। और अगर हम इस बुक की चीज पे लड़ाई करते हैं कि बुक तो ये बोल रही थी, तुम ये कह रहे हो, या फिर तुम्हारी बातें गलत है, अगर ये सब करेंगे तो बुक का जो एसेंस है, जो उसकी रियलिटी है, जो बुक की अच्छाई है, वो खत्म हो जाएगी। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए रियल मेथड्स ऑफ स्टडीज की जब बात आए। ना ही किसी पे टिप्पणी दें, ना ही किसी को गलत ठहराने की कोशिश करें, और बुक की रियलिटी को, अच्छाई खत्म ना करें। जैसी बुक है वैसे उठाइए और वैसा उसे ग्रहण कीजिए। द रीडर मस्ट नॉट बिलीव व्हाट द बुक सेज और टेक एवरीथिंग एवरी वर्ड फॉर ग्रांटेड। दिस अप्रोच इज ऑल्सो प्रॉब्लमैटिक बिकॉज इंस्टेड ऑफ यूजिंग हिज माइंड रीडर डज नथिंग एक्सेप्ट इम्प्लीकेबल हिज नॉलेज थियोरेटिकली। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो बुक में लिखा है वह एज इट इज लाइफ में फॉलो कर लिया। बिल्कुल गलत। क्या पता बुक में प्रैक्टिकल लाइफ नहीं दिखाई गई हो। हर चीज को प्रैक्टिकल सोचना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि जो करेक्टर के साथ हुआ बुक के अंदर वो आपके साथ ना हो। तो ये सबसे बड़ी बात इन्होंने कही है। नाउ अ रीडर शुड नॉट ऑल्सो रीड जस्ट फॉर डिस्कोर्स, ही विल बी कंसर्न अबाउट द पॉइंट्स दैट ही कैन यूज इन द डिस्कशन। एज अ रिजल्ट लर्निंग बिकम्स सुपरफिशियल। Contrary to these approaches, a reader should try to comprehend the message or arguments of the writer. हमेशा ऐसा मान लीजिए कि उसे एक अलग से conclusion का एक मान लीजिए conclusion उसने लिखा है, तो reader हमेशा conclusion में बता सकता है कि जो writer था वो ये चीज़ें incorporate कर सकता था अपनी writing में, पर कभी उसको challenge नहीं करना चाहिए, ठीक है। We should not read it to confuse someone. Blindly follow it or read it wholly for discourse. The best approach would be considered that Bacon says on different subjects. मतलब हर subject की अपनी अच्छाई है, तो उसके बारे में ये बताते हैं। Not every book is same. अब यहाँ से एक कुछ important quotes है, वो मैं लिखूंगी, वो आपके exam में जरूर आएंगे और आपको ये याद भी हो जाएंगे इसी lesson में। Not every book is same. हर बुक कुछ अलग टीचिंग देती है, तो आप ये हेडिंग लिख लीजिए, नॉट एवरी बुक इज सेम। हर बुक अलग है, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसका कोट ये है, सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर्स टू बी स्वैलोड, others to be swallowed, some few to be chewed and digested, and some few to be chewed and digested। अगर आप कोई भी आंसर लिख रहे हैं, मास्टर्स का आंसर है
या फिर मान लीजिए आपके बीए में ये चैप्टर है, बीए सेकंड ईयर या बीए फर्स्ट ईयर, तो आप अगर ये आंसर कर रहे हैं तो आपको ये कोट लिखना ही लिखना है ऑफ स्टडीज में. सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, सम बुक्स आर टू बी स्वैलोड एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड. अब इसका मतलब बता दूं, वी नीड टू रीड सम बुक्स फॉर एंटरटेनमेंट पार्शली. कुछ बुक्स को ऐसा पढ़ना चाहिए कि ठीक है एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ लेते हैं, कॉमिक बुक्स जैसे होती है. वी कैन स्किम द पार्ट्स ऑफ दिस बुक राइट, सिर्फ थोड़े बहुत पार्ट पढ़ लिए. वी नीड टू रीड सम अदर बुक्स प्लेनली, दे आर नेसेसरी फॉर मेमोराइजेशन सो दैट वी कैन यूज देम इन रियल लाइफ. अब कुछ बुक्स होती हैं जो हमें बताती हैं कि हमें लाइफ में आगे क्या करना चाहिए, मतलब कुछ ऐसे साहित्य होते हैं जिनसे हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, वो तो उनको थोड़ा पढ़ लिया, मेमोराइज कर लिया कि अच्छा जिंदगी में ऐसा करना है ऐसा करना है और आगे बढ़ गया. देर आर ओनली फ्यू बुक्स दैट नीड आर कंप्लीट अटेंशन. बहुत कुछ बुक्स होती हैं जो बहुत बढ़िया होती हैं, जिनको कंटेंट च्यू मतलब चबाएं और डाइजेस्ट कर लें, इतनी अच्छी तरीके से पढ़ लें कॉन्स्टेंट फोकस और एफर्ट के साथ, एनालिटिकल रीडिंग और क्रिटिकल रीडिंग के साथ, कि आप कभी उस बुक को भूल ना पाए. बेकन ऑल्सो सजेस्ट दैट वी कैन स्टडी अब्रिज्ड वर्जन्स एंड समरीज ऑफ अनइम्पॉर्टेंट बुक्स. मान लीजिए आपके पास बहुत बड़ा सिलेबस है, हम कुछ कुछ समरी पढ़ लेते हैं और कुछ जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट हैं जिनका हमेशा क्वेश्चन आता रहता है उनका बारे में हम पूरा पढ़ते हैं. तो ये वो यही बता रहे हैं. अब वो बेनिफिट्स ऑफ स्टडीज बता रहे हैं. बेनिफिट्स ऑफ स्टडीज में भी एक बहुत बड़ा कोट है, छोटा सा ही है, मतलब काफी इम्पोर्टेंट है ये, तो वो भी अभी लिख लेते हैं. ये ऐसी रियल लाइफ में भी काफी ज्यादा इम्प्लीकेटिंग है. साथ ही अगर मैं इसकी इंटरटेक्चुअल रेफरेंसेस की बात करूं तो वर्जीनिया वुल्फ का हाउ टू रीड अ बुक, वो भी इससे काफी ज्यादा सिमिलर है. और साथ ही साथ बर्टन रसल का नॉलेज एंड विजडम, उसमें बर्टन रसल ने यही बताया अपने ऐसे में कि कैसे अपनी नॉलेज से अपनी विजडम को बढ़ाना चाहिए बाय यूजिंग प्रैक्टिकल नॉलेज. और बेकन भी यही कह रहे हैं कि अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज को अपनाओ. नाउ जैसे पहले एक बेनिफिट्स ऑफ स्टडीज का पॉइंट बताया था, वैसे ही इसमें भी बेनिफिट्स ऑफ स्टडीज. अब इसका कोट क्या है ये आप देख लीजिए. रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, रीडिंग मेक्स अ फुल मैन. जब हम बहुत ज्यादा पढ़ने लगते हैं, नॉलेज इंक्रीज कर लेते हैं, तो हम एक कंप्लीट मैन हो जाते हैं. ओके नाउ कॉन्फ्रेंस, आपने कॉन्फ्रेंस देखी होगी, जब एक पर्टिकुलर इंसान कॉन्फ्रेंस अटेंड करता है उसको कितने सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो सभी का आंसर देता है. तो कॉन्फ्रेंस लीड्स टू अ रेडी मैन, मतलब हर क्वेश्चन के लिए रेडी रहता है, इस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करता है. वाइल राइटिंग मेक्स एन एग्जैक्ट मैन, जब भी कोई राइटर होता है वो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स से एनवायरमेंट से सीखता है, फिर अपनी किताब में लिखता है और एग्जैक्टली बताता है कि अब उसे क्या चाहिए. तो राइटिंग मेक्स एन एग्जैक्ट मैन, मतलब क्या पढ़ के क्या करके हम ऐसे फुल मैन बन सकते हैं, रेडी मैन बन सकते हैं, वो बताएं. रीडिंग से हम फुल मैन बन सकते हैं, कॉन्फ्रेंस से हम रेडी मैन बन सकते हैं, एंड राइटर एग्जैक्ट मैन बन सकता है बाय राइटिंग. तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. इट्स अ ब्यूटिफुल एंड मास्टर पीस ऑफ फ्रेंसिस बेकन. इन्होंने ऑफ फ्रेंडशिप पे भी लिखा है, ऑफ लव पे भी लिखा है, मतलब हर लाइफ के एस्पेक्ट पर इन्होंने ऐसे लिखा है. और साथ ही साथ काफी सही तर्क भी दिए हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने लिखकर छोड़ दिया, काफी ज्यादा सही तर्क भी दिए हैं. रीडिंग प्रोवाइड्स अ रीडर विद नॉलेज. व्हेन वन रीड्स बुक वन आफ्टर अनदर नॉलेज एक्सपैंड्स इन दिस वे इट फिल्स द रीडर विद विजडम. लाइक रीडिंग कंटिन्यूअस एंगेजमेंट इन द डिस्कशंस मेक्स अ वेल रेड पर्सन. कोई इंसान बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है तो ऑब्वियसली वो डिस्कशन करेगा अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए. नाउ बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स. अब बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स, जैसा मैंने बताया इन्होंने कहा है कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो जाए हर सब्जेक्ट के पास कुछ ना कुछ है सीखने को. अब इसका कोट मैं लिख दूं, हिस्ट्रीज मेक मैन वाइज, poets witty,
विटी का मतलब होता है या इंटेलिजेंट, ब्रैकेट में इंटेलिजेंट लिख लेना, इसका मतलब भी बताती हूँ। देन द मैथमेटिक्स सबटिल, मैथमेटिक्स इज सबटिल। नेचुरल फिलोसफी डीप, फिलोसफी डीप। मॉरल ग्रेव एंड लॉजिक एंड रिटोरिक एबल टू कंटेंड, लॉजिक एंड रिटोरिक एबल टू कंटेंड। अब इन सबके मतलब बताए जाए। इसका मतलब क्या है? बेकन सेज दैट अ वे पर्टिकुलर फिजिकल एक्सरसाइज इज एप्रोप्रिएट फॉर डिस्टिंक्ट डिजीज ऑफ द बॉडी, सिमिलरली प्रॉपर स्टडीज कैन इम्प्रूव इंटेलिजेंस। हिस्ट्री को पढ़ के हमें बहुत ज्यादा नॉलेज मिलती है, क्योंकि हम पास्ट के बारे में जानते हैं तो अब बता सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। ठीक है, पोइट्स विटी, जब हम पोइट्री पढ़ते हैं तो उसमें ना राइमिंग स्कीम होता है, ए बी सी बी, है ना, ये सारे राइमिंग स्कीम होते हैं, तो ये काफी इंटेलिजेंटली पोर्ट्रे किए जाते हैं, एक के बाद एक वर्ड को राइम करना, पोएट को अच्छे से उसकी पोएट्री को सुनना समझना, उसके ऊपर है। देन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स से हम कैलकुलेशन की पावर करना सीखते हैं, राइट। अगर हम कोई सामान लेने गए और हमें कैलकुलेशन ही नहीं आती तो वो तो हमें बुद्धू बना सकता है, राइट। तो यही बात है। नाउ फिलोसफी, जो फिलोसफर्स होते हैं वो कितनी डीप डीप नॉलेज देते हैं, राइट, काफी उनकी जो सेइंग्स होती है वो डीप होती है। लॉजिक एंड रिटोरिक, समवन इज सेइंग टू यू डोंट गो दैट रोड, गो इन टू दैट रोड, क्यों, क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। अनटिल एंड अनलेस समवन हैज गिवन यू लॉजिक कि हाँ वहाँ हो रखे हैं, क्योंकि वहाँ पर वन वे रास्ता है, तो आप जरूर मानोगे, ठीक है। तो लॉजिक एंड रिटोरिक प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडीज, ठीक है। मान लीजिए कि आपको बहुत ज्यादा आप चीजें लॉजिकली हैंडल नहीं कर पा रहे, तो आपको लॉयर बन जाना चाहिए, मतलब लॉयर में लॉ पढ़ना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। नाउ द थीम ऑफ स्टडीज इज बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसकी थीम क्या थी इस वर्क की? इट्स अ ब्यूटीफुल एंड मास्टरपीस वर्क। ये सब कुछ, हर चीज, मतलब आप ऐसे मांग लीजिए कि ऑल इन वन है। इसकी थीम क्या है? ये एग्जाम में पूछ सकते हैं, आपको लिखना भी है, अगर नहीं पूछे तो भी। द बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग, इसकी थीम है बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग। स्टडीज का मतलब है रीडिंग, तो ये इसकी थीम है। ये था ऐसे में। बेकन मेनली डिस्कसेस द बेनिफिट ऑफ रीडिंग, ही आल्सो डिस्कसेस द बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। So I hope you like this video. So don't forget to hit the subscribe button with the bell icon so that you guys get notified whenever I'll post the next important video. Thank you so much for watching.